हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या थी। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है थंडर बोल्ट एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं हारमनी, मेच्योरिटी, ट्रस्ट एंड लेजीनेस। तो थोड़ी देर पहले ना ये पर्सन आपके बारे में अपने किसी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड से बातें कर रहे थे जो काफ़ी मेच्योर इंसान है और मेच्योरिटी के साथ ही आपके पर्सन को एडवाइस देते हैं। तो अक्सर आपके पर्सन ना इस फ्रेंड से आपके बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं और जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है बॉटम के कार्ड को देखकर, थंडर बोल्ट को, कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये ब्रेकअप को लेकर ही अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि आप दोनों का ब्रेकअप तो हो चुका है बट ये पर्सन आप फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं ऐसा लगता है मुझे यहाँ। और जो भी ब्रेकअप हुआ है ना, आप दोनों का ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हुआ है और इस पर्सन के लेज़ी नेचर की वजह से हुआ है। ये पर्सन ना बहुत बड़े बड़े सपने तो देखते हैं पर हकीकत में उन्हें पूरा करने की ना काबिलियत इस पर्सन में नहीं है ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, लेज़ीनेस एंड ट्रस्ट को देख कर। तो ट्रस्ट इश्यूज़ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में रहे हैं और इस वजह से भी रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ना अपने वर्ड्स पर कायम नहीं रह पाए, हमेशा ही ये चेंज करते रहते हैं अपनी बातों को। जो भी आज इस पर्सन ने आपसे बोला, कल ये उस बात को लेकर ना डटे नहीं रहते बल्कि बदल जाती है इनकी जो भी थिंकिंग है, जो भी विचार है ना आपको लेकर, इस पर्सन के बदलते रहते हैं। आज अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कल आपसे इतना रूड बिहेवियर रखता होंगे ना ये पर्सन, तो आप भी परेशान हो चुके हैं इस पर्सन के इस बिहेवियर से और इसी को लेकर शायद आपने एक दूसरे के साथ में अलग रहने का फैसला किया है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना इसी के बारे में थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था कि ये इस रिलेशनशिप में फिर से कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये चाहते हैं हारमनी अपने जीवन में। और अब ये पर्सन ना मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को डील करेंगे, अपने इस लेज़ी नेचर को छोड़ेंगे और आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इस पर्सन को ना अपने फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, तो इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ही अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। अब ये पर्सन ना आपका ट्रस्ट जीत कर रहेंगे क्योंकि इस पर्सन को चाहिए अपने जीवन में हारमनी। और अब इस रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स होंगे ना इस पर्सन की तरफ से, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन अपने आप को प्रेजेंट करेगा आपके सामने। आप भी देखकर ना चौंक जाएंगे इस पर्सन के इस बिहेवियर को कि इतना चेंज इस पर्सन में कैसे आया, और ये चेंज आपके प्यार की वजह से आने वाला है क्योंकि अब ये आपके प्यार की ना वैल्यू को समझ रहे हैं, अपने इस लेज़ी नेचर को छोड़ना चाहते हैं, ट्रस्ट जीतना चाहते हैं आप का, और काफ़ी मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का सोच रहे हैं ये पर्सन। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से ये सारी ही बातें डिस्कस कर रहे थे, आपके बारे में बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है आपसे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले अपनी पसंद की वीडियो देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।